दोस्तों पंचम पब्लिशर द्वारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ई बुक यानी पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कंप्यूटर एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक रेलवे पीएससी, पुलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा दोस्तों इस नोट्स में खास विशेषता यह है कि इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें दस प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन एस पॉइंट सब्सक्राइबर के लिए फिफ्टी ऑफ चल रहा है मात्र पच्चीस की बुक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो उस लिंक क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है चौदह जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलता रहे अगर इस वीडियो से आपको हेल्प में मिलती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी एस एस बी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कुमार राजेश चंद्रा को ठीक है ऑप्शन डी कुमार राजेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक एस एस बी दोस्तों स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हुई थी 1963 में ठीक है एस की स्थापना हुई थी 1963 में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वैश्विक सौर परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों ये वैश्विक सौर परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है प्रणब आर मेहता जी को ठीक है ऑप्शन डी ठीक है एक जनवरी को नियुक्त किया गया है वैश्विक सौर परिषद का चेयरमैन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में याद रखना है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीब्यूटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दोस्तों आपको बता दें कि यह मिला है डीआरडीओ को ठीक है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है देखिए दोस्तों पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो आयोजित हुआ था एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डीआरडीओ को डीआरडीओ पवेलियन को एग्जीब्यूटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ठीक है देखिए दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस याद रखिएगा कहाँ पर आयोजित हुई है एक तो ये हुई है दो में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और ये दोस्तों प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है ठीक है भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार का आयोजित किया गया दोस्तों फर्स्ट टाइम ये आयोजित किया गया था 1914 में कोलकाता में ठीक है पंजाब के कैपिटल पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में ठीक है और दोस्तों ये भारत विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है और इससे पहले का कहाँ हुआ था 2018 का ये भी पूछा जा सकता है तो 2018 हज़ार को दोस्तों मणिपुर इम्फाल में ठीक है इम्फाल की मणिपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था और अभी लेटेस्ट याद रखिएगा दो का पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ़ द ईयर किसे नामित किया गया तो ये किया गया दोस्तों मोहम्मद सलह को ठीक है ऑप्शन सी ठीक है कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ़ द ईयर किसे नामित किया गया दो अठारह मोहम्मद सलेह को ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है किस राज्य ने अमाघरे एल ई योजना शुरू की है ये शुरू किया दोस्तों ओडिशा ओडिशा गवर्नमेंट ने ठीक है ओडिशा सरकार ने दोस्तों ग्यारह जनवरी को अमाघरे एल ई योजना शुरू की है ठीक है ओडिशा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ओडिशा कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल और सीएम है नवीन पटनायक ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग और दोस्तों भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है कटक ओडिशा में और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील कहाँ स्थित है ओडिशा में यह क्वेश्चन बार बार पूछा आता है इसको आपको याद रखना है दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें आज का टारगेट लाइक से बीस हज़ार का तो फटाफट वीडियो लाइक करके सपोर्ट और प्यार जरूर अपना दिखाएं चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा जारी की गई विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट दो जारी की गई है देखिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी ठीक है 1945 में इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी यूएसए में अमेरिका में इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक में तो वन है ये या आपको याद रखना है ठीक है इसका दोस्तों सदस्य राष्ट्रों का इसका कार्य क्या है सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण देकर पूंजी की व्यवस्था करना ठीक है देखिए दोस्तों अभी हाल में जो है वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन हैं वो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं क्रिस्टिलिना जजीवा को ठीक है क्रिस्टालिना जजीवा को तो आपको याद रखना है इससे पहले थे जिम योंग किम तो अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं अब बन गए अंतरिम अध्यक्ष क्रिस्टालिना जजीवा इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन में वाशिंगटन डी में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है वर्ल्ड बैंक का जितने आपको फैक्ट याद रखने पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ये कि दोस्तों पंजाब पंजाब स्टेट पंजाब नेशनल बैंक ठीक है ऑप्शन डी देखो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक टाइप नहीं हुआ डी में तो सॉरी पंजाब नेशनल बैंक याद रखिएगा भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज समझौते हस्ताक्षर किए हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ पी के साथ ठीक है तो आपको याद रखना पी के बारे में आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी ये हुई थी अठारह में ठीक है एट्टीन में और दोस्तों इसके जो वर्तमान में एम और सी ओ हैं वह सुनील मेहता कौन है एम और सी सुनील मेहता हैं ठीक है तो भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर ज्ञापन पर पस्ताक्षर किए हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दस जनवरी को जबकि आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है चौदह सितंबर को कन्फ्यूज मत होइएगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी हिंदी डे दस चौदह सितंबर को मनाया जाता है ठीक है चलिए तो आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छियासवीं राष्ट्रीय बिलेडर्स और स्नूकर चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी तो की जाएगी इंदौर में ठीक है इंदौर में राष्ट्रीय बिलेडर्स और स्नूकर चैंपियनशिप अठारह जनवरी दो से इंदौर में आयोजित की जाएगी ठीक है इंदौर में फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा देश 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा करेगा दोस्तों मिस्र ठीक है अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है दोस्तों कि मिस्र 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा ठीक है मिस्र आपको याद रखना है हमारा अगला क्वेश्चन किस रेलवे जोन ने रेल रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर मध्य रेलवे ठीक है ऑप्शन सी देखिए दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे पंद्रह जनवरी दो में जो है कुंभ मेले के दौरान लोगों को प्रयागराज शहर में नेविगेट करने में मदद करने के लिए रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ठीक है उत्तर मध्य रेलवे अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया किया गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ठीक है ऑप्शन डी ठीक है अरुणाचल प्रदेश सियांग नदी पर ठीक कौन सा नदी सियांग नदी ये आपको याद रखना है सियांग नदी ठीक है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया क्वेश्चन थर्टीन दोस्तों स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य समारोह का अठारहवां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया तो किया गया दोस्तों न्यू दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली ऑप्शन बी ठीक है स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य समारोह अठारहवा संस्करण दस जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थे दोस्तों किस शहर की पुलिस ने पुलिस ई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की 15 अगस्त 1969 में ठीक है ये आपको याद रखना है साथ ही साथ इसका हेडकवाटर कहाँ पे है बेंगलुरु में है इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं दोस्तों इसरो के वो हैं के सिवान डॉक्टर के सिवान हैं इसके फाउंडर कौन थे इसरो के विक्रम सारा ठीक है तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है तो इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है बेंगलुरु में यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है इसरो का ठीक है चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा तो मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल क्या है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए यदि आपने कल की करंट अफेयर वीडियो नहीं देखी जस्ट यहाँ पे को जरूर देख लें दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत